देश की सभ्यताएं आज भी जीवंत है, हमारे देश की संस्कृति आज भी हजारों साल की संस्कृति आज भी जीवंत है, और निश्चित रूप से हमारे साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, कवियों ने समय समय पर अपना विशेष योगदान देने का काम किया होगा, तभी ये सारी चीजें हमारे जीवन में एक विषय स्वरूप के रूप में हमारे जीवन में आने लगा। मैं आज के इस पावन अवसर पर एक और व्यक्ति का, एक और महामानव का हृदय से उनको याद करना चाहता हूँ। हमारे देश के निश्चित रूप से उन्नाव में रहने वाले, पदियर में रहने वाले रहकर उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण काम किया था, रामायण की रचना की थी, आगे कभी वाल्मीकि के भी चरणों में नमन करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और उसके बारे में वाक्य और एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख समाज का गुरु नानक जी का जो वाणी गुरुवाणी हो, चाहे स्थान की कुरान हो, और चाहे बाइबल हो ईसाइयों की, ये सब ईश्वरीय वाणी कही जाती है, सब ईश्वरीय वाणी कही जाती है, इनका पूजा किया जाता है, उनकी अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से। सिर्फ हमारी रामायण की जो वाल्मीकि की रामायण है वो हस्तलिखित है, और उसको हम लोग मंदिर में रखकर पूजा करने का काम करते हैं, यानी एक कवि का इतना महान सम्मान करने का काम अगर कोई संस्कृत करती है तो हमारी भारतीय संस्कृत करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के विचार को लेकर, सांस्कृतिक कला साहित्य के विचार को लेकर उन्नाव की धरती में भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 75 कवियों का सम्मान, जिसमें साहित्यकार, लेखक, कवि, प्रिंट पेंटर, पत्रकार मित्र सभी को हम लोगों ने सम्मानित किया है, जिसमें हमारे जिला प्रभारी अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष अपने कटियार जी, और मैं संयोजक सांस्कृतिक भारतीय जनता पार्टी उन्नाव चंद्रभूषण सिंह, हमारी सहयोगी प्रियंका जी, रीता जी, सभी लोगों ने मिलकर एक विचार बनाया कि क्यों ना हम जिले के ही अपने साहित्यकारों को एक सम्मान दें, जिससे कि उनके द्वारा किए हुए जिले स्तर पर कार्य, प्रदेश स्तर पर कार्य पर उनको मनोबल प्राप्त हो, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो यहां पर आए और उन्होंने हमारा सम्मान किए, अपना सम्मान प्राप्त करके हमें भी एक सम्मान का गौरव दिया। धन्यवाद।